अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला खान कल्याण की एक नई अपडेट लेके फिर से आ गया हूँ। ठीक है, इस टाइम पे हम लोग बातें करेंगे जो फैमिली वैकेशन की और फैमिली आउटडोर की। तो अपने कल्याण में तो माशाल्लाह रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक है। उसके अंदर माशाल्लाह अभी और एक जो है, जिन्होंने अभी मतलब ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है, उन्होंने अभी नया कदम रखे जिसको कंसिडर उन्होंने किए कि मतलब फैमिली आउटडोर। अगर फैमिली लेके आप कहीं पर जाते हो तो आपकी जो फैमिली प्राइवेसी होना चाहिए, प्लस आपको बच्चों का जो फ्रीडम होना चाहिए, ये सब चीज़ें कंसिडर करके अपने होटल कल्याण में एक माशाल्लाह एक होटल बने। इट्स अ चेन ऑफ बड़ी मियाँ रेस्टोरेंट। ठीक है, ये देखिए शायद ये, हाँ ये ठीक है, ये इट्स अ चेन ऑफ बड़ी मियाँ रेस्टोरेंट। अपने मारूफ कोटाल भाई जो है उनका जो बड़ी मियाँ रेस्टोरेंट चल रहा, उन्होंने अभी माशाल्लाह रिटेल में उन्होंने अभी अपनी ओपनिंग स्टार्ट की। तो उनका पहला जो है कल्याण में ओपनिंग हुआ है यहाँ पर मन्नत रेस्टोरेंट। ये मन्नत रेस्टोरेंट जो है अपने गफूर डाउन चौक घास बाज़ार जो उसी रोड पे है, बाकी जो रेस्टोरेंट्स यहाँ पे लाइन से चल रहे हैं उसी के यहाँ पे माशाल्लाह कल उनकी ओपनिंग है। तो आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा अंदर चल के देखिए, आइए प्लीज़। तौसीफ भाई, ठीक है, ये तौसीफ भाई है, ये इनका जो यहाँ पे मेन काउंटर, जैसा आप एंट्री मारते हो तो यहाँ पे एंट्री मारने के अंदर आपको थोड़ा सा अलग फीलिंग होगी। नॉर्मली होता है कि होटल में जाने के अंदर आपको कुछ अलग फीलिंग होती, ये फीलिंग जैसा अगर आप आते हो ना तो एकदम मतलब थोड़ा सा बैठने के लिए अलग से जो है यहाँ पे सोफे लगाए हुए, यहाँ पे सोफे लगाए हुए। नॉर्मली ये था कि कहीं पे अगर आप वेटिंग में हो तो वेटिंग में बाहर चेयर्स हो गए थे, बट यहाँ पे वो सब कंसिडर किया गया। बैठने भी आपको जो है यहाँ पे प्राइवेसी है, आप अंदर आने के बाद आपको अलग से वेटिंग रूम दिया गया है जहाँ पे माशाल्लाह बैठने के लिए एकदम कुशन वाले सोफे। अभी अंदर चलते हैं हम लोग। ये हमारे हिसाब भाई है, ठीक है, ये जो फिलहाल आप यहाँ का मैनेजमेंट यही देखते हैं, तो इनके साथ में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग जो है इंटीरियर और यहाँ पे जो सब मैंने बताया कि फैमिली को कंसिडर करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन की गई है। आइए प्लीज़, ये देखिए यहाँ पे जो पैसेज दिया है, इतना जो स्पेस है शायद ही हार्डली किसी आपको कल्याण में किसी रेस्टोरेंट में दिखाई देगा। ये पूरा कवरेज देखिए यहाँ पे, अगर आप पूरे फैमिली के साथ में, अगर फ्रेंड सर्कल के साथ में एक टेबल पे अगर 6 लोग भी बैठते हो, देन उसके बाद में भी जो आपको अच्छा खासा पैसेज, अच्छा खासा स्पेसियस एरिया मिल जाता है। और सेकेंड थिंग यहाँ पे मतलब CCTV का फुटेज भी आपके सामने ही है, तो ये आपकी एक अलग से बोलते ना सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है। नॉर्मली होता क्या, CCTV जो होता है एक तो मैनेजर के केबिन में या तो कैश काउंटर के पास में, बट यहाँ पे उन्होंने सामने रखा गया ताकि सामने वाले को फीलिंग होते भाई कि हम लोग एक सेफ जोन में बैठे हुए। ऐसा भाई ये माशाल्लाह बहुत आपका अच्छा आइडिया है। हाँ तो आइए थोड़ा फैमिली रूम में चलते हम लोग। ये इनका फैमिली रूम है, ठीक है, ये फैमिली रूम में जैसा अगर आप आते हो ना तो इसकी जो एक अलग फीलिंग मिली। यहाँ की अलग स्पेशलिटी ये है कि यहाँ का जो फर्नीचर है क्या फर्नीचर है, पाइन वुड फर्नीचर, नेचुरल लाइटिंग के साथ थोड़ा अच्छा कोजी वाइब आता है। अच्छा, ओके, ये पाइन वुड फर्नीचर है और जैसा इज़ाम भाई ने बताया। सेकंड थिंग इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर मतलब नहीं क्या, ये जो फीलिंग है ये फीलिंग अपने को ज़्यादा करके ना बहुत रेयरली जगह पर मिलती है। ये मेरा पर्सनल इसमें शेयर कर रहा हूँ, मतलब ये जो स्पेस और ये बच्चों को खेलने के लिए जो इतना जो पैसेज मिलता है, प्लस यहाँ पे ये जो टेम्परेचर मेंटेन किया गया है विथ इंटीरियर के साथ में, नॉर्मली ये जो टेम्परेचर मेंटेन किया है ना समथिंग एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैं तो यहाँ पे मैंने पर्सनल जो है एक डिश भी मैंने लिया हूँ मैंने माशाल्लाह आपकी वो रॉयल, अच्छा सूप, हाँ मन्नत रॉयल सूप। तो हिसाब है मन्नत रॉयल जो सूप था ना उसके अंदर क्या था, सूप फर्स्ट टाइम मैं लिया सूप और उसके साथ में एक और मलाई, एक एंड मलाई, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन था। और उसका टेक्सचर मतलब है ना तीनों ब्लैक पेपर बाद में फिर मलाई बाद में उसके साथ में जो बाकी सूप का जो कॉम्बिनेशन था आफ्टर टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ तो वो जो टेस्ट है ना, टेस्ट आपके जबान से मतलब मेरे ख्याल से हार्डली लग तक जाएगा नहीं जब तक आप वापस एक बार उसको रिटेस्ट नहीं करते। तो ये तो स्टार्टर था, अभी इंशाल्लाह बाकी और क्या बहुत कुछ है। तो हिसाब भाई आप थोड़ा देखिए, इसमें तो आपने माशाल्लाह बहुत सारे चीज़ें रखी है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपके जो है डिश में भी टेस्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्वालिटी भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ है ना। वैसे आपकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब
अरेबिक डिशेज में स्पेशलिटी है और तंदूरी में स्पेशलिटी है। अच्छा तंदूरी स्पेशलिटी क्या? मुगलाई में भी है। मुगलाई में भी क्या? और उसके बाद में आपका जो कुछ ऐसा समथिंग स्पेशल लाइक स्वीट में खाने के बाद में कुछ ऐसा? स्वीट में अभी यहाँ पर जूस सेंटर का बाहर काउंटर का काम चालू है। अच्छा अभी ये जूस सेंटर का काउंटर रहेगा, फिर बाहर पान मकई पान का काउंटर लगेगा। ओहो टी स्टॉल भी लगने वाला है। वेरी गुड वेरी गुड। यानी आपको जो है ना एक बार फैमिली के साथ में अगर आउटडोर जाते हो तो होता क्या, नॉर्मली फैमिली के साथ में निकलने का आदमी थोड़ा सा है ना एक मेन कोर्स के बाद में देखता है कि थोड़ा स्वीट स्वीट हो जाए, स्वीट के लिए कहीं और जाना था, उसके बाद में नॉर्मली एक मकई पान का जो चलता है उसके लिए, यानी ऐसा हुआ एवरीथिंग अंडर वन रूफ, ये जो बोलते हैं ना यहाँ पे वो प्रूफ हुआ। और ये माशाल्लाह अपने कल्याण में है, लोकल एरिया में है और अपनी एक अलग से एक फीलिंग भी है। तो मैं दुआ करता कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे और आपको तरक्की दे। इंशाल्लाह आमीन आमीन। चलो दुआ आइए आपकी। बिल्कुल 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 आएंगे भाई। चलो अस्सलाम वालेकुम।